अरविंद केजरीवाल के सामने कौन है? तो दिल्ली की जनता है। झूठ बोला दिल्ली की जनता से, हवा जहरीली किया दिल्ली की जनता का, पानी जहरीला किया दिल्ली की जनता का, यमुना जी जहरीली की दिल्ली की जनता की। दिल्ली का चुनाव दिल्ली सरकार के कामों पे होगा। लोग मन बना चुके हैं कि इस बार काम पे वोट डालेंगे। ये शायद 70 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि वोट स्कूलों के नाम पे पड़े। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि दिल्ली में चुनावों के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग होगी, वहीं 11 फरवरी को चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं सुनील अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 जनवरी 2020 ट्यूसडे। द नोटिफिकेशन इज इश्यूड ऑन 14 जनवरी 2020 ट्यूसडे। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशंस इज 21 जनवरी 2020 ट्यूसडे। In 2015, the notification was issued on 12th January and the date of announcement was 12th January and the notification was issued on 14th. So there is a lot of criticism that candidates are not getting adequate time, political parties, etc. So any case, now they are getting good 7 days to kind of finalize the candidates. Scrutiny of nominations shall take place on 22nd January, Wednesday. Last date of withdrawal of candidature is 24th January, Friday. Date of poll is 8th February, Saturday. 7th January this time was Friday. Single phase. Date of poll is 8th February 2020, Saturday. How can it be January? Today is 6th January already. Counting of votes shall be done on 11th February 2020. Date before which election shall be completed is 12th January or the time of notification, whichever is earlier. Counting is 11th February, Tuesday. After that, so when all the results are out, there will be a notification, right? Number of days of campaign is 15. We have taken special care to avoid Sundays and as well as possible, even Fridays because of the Juma prayers. And this is the schedule. अरे भाई, अरविंद केजरीवाल के सामने कौन है? तो दिल्ली की जनता है। झूठ बोला दिल्ली की जनता से, हवा जहरीली किया दिल्ली की जनता का, पानी जहरीला किया दिल्ली की जनता का, यमुना जी जहरीली की दिल्ली की जनता का, और ट्रांसपोर्ट ध्वस्त किया दिल्ली की जनता का। तो 60 महीने चलाने वाली सरकार की रीति को आपने 3 महीने के लालच में बदल दिया। तो ये दिल्ली की जनता उनके सामने है और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल वो खिलेगा, अंधेरा छटेगा, जो नहीं हुआ 21 साल, आइए मिलके करते हैं इस साल। दिल्ली का चुनाव दिल्ली सरकार के कामों पे होगा। लोग मन बना चुके हैं कि इस बार काम पे वोट डालेंगे। ये शायद 70 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि वोट स्कूलों के नाम पे पड़ेगा, वोट अस्पतालों के नाम पे पड़ेगा, पॉजिटिव वोट। अभी तक वोट इसलिए पड़ता था कि स्कूल खराब हो गए, सड़कें ठीक नहीं कराई, पानी ठीक नहीं किया। इस बार लोग खुशी से वोट देंगे, पॉजिटिव वोट देंगे कि सड़कें बहुत अच्छी हो गई जी, स्कूल बहुत अच्छे हो गए जी, अस्पताल बहुत अच्छे हो गए जी, दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं जी। सो इस बार लोग पॉजिटिव वोट तीर्थ यात्रा होकर आए हैं जी,
इस बार लोग पॉजिटिव वोट देंगे, ये चीज शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगी। लोग इस बार काम का कंपैरिजन करेंगे। दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे दो पार्टियों की सरकार है, भाजपा की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के लोगों ने भाजपा को जिम्मेदारी दी है पुलिस संभालने की, नगर निगम संभालने की और DDA संभालने की, और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, PWD डिपार्टमेंट की, जल बोर्ड की और अन्य तमाम डिपार्टमेंट की। तो अब दिल्ली के लोग ये देखेंगे कि MCD ने, BJP ने अच्छा काम किया, MCD ने, नगर निगम में अच्छा काम हुआ, पुलिस ने अच्छा काम किया, DDA ने अच्छा काम किया, या फिर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में अच्छा काम किया, स्वास्थ्य में अच्छा काम किया, सड़कें अच्छी बनाई। There is a Delhi police, there is Ministry of Home Affairs. And when we interacted, we have interacted at all levels. In this room only we had this meeting, which had deputy commissioners, which had DCPs, which had joint CPs, which had special CPs, which had an officer of the rank of Additional DG, who is the special police nodal officer. We have the written commitments in black and white. We have already had a talk with Chief Secretary. We have had a talk with Mr. Police, Home Secretary, Delhi Police, Delhi Government. We are quite, I won't say that we are very sanguine, but we are hopeful that they will be able to kind of control the situation conducive for the poor. Any case, let me just finish. Yes, let me please just finish. I'll come to each of you, not only. And in any case, in the polling process, if there is some kind of extraordinary situation, there are always provisions for kind of deferring the poll. All those possibilities are there. The constitution empowers the ECA to take a call if required. यानी साफ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया है कि चुनावों के लिए वह पूरी तरीके से तैयार हैं।